आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कथित तौर पर नाराज दिखे। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि पूर्व राज्यपाल तमिलीसाई सौंदरराजन को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं अमित शाह। हालांकि इसे लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से या सौंदरराजन ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। सौंदरराजन ने भाजपा के टिकट पर तमिलनाडु से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। शाह और उनके बीच हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। खास बात है कि ये कैसे समय में आया जब सौंदरराजन और तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के समर्थकों के बीच खींचतान की खबरें हैं। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में एक ओर जहां अन्नामलाई को कोयम्बटूर और सौंदरराजन को चेन्नई दक्षिण सीट से हार का सामना करना पड़ा, तो करीब 20 सेकंड की वीडियो में नजर आ रहा है कि सौंदरराजन मंच पर बैठे शाह से बात करती हैं और आगे निकल जाती हैं। इसके बाद अमित शाह उन्हें वापस बुलाते हैं और कुछ समझाते दिखते हैं। भाजपा के प्रदेश सोशल मीडिया सेल के उपाध्यक्ष कार्तिक गोपीनाथ की तरफ से वीडियो शेयर किया गया, वो लिखते हैं ये अमित शाह जी की तरफ से तमिलीसाई अक्का को कड़ी चेतावनी जैसा लगता है, लेकिन सार्वजनिक चेतावनी की वजह क्या हो सकती है? सार्वजनिक रूप से गैर जरूरी बयान देना। इस दौरान शाह के पास मंच पर केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, नितिन गडकरी नजर आए। बीते कुछ दिनों से अन्नामलाई और सौंदरराजन के समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर तनातनी देखी गई है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सौंदरराजन ने अप्रत्यक्ष रूप से अन्नामलाई पर निशाना भी साधा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।